जल सचदेवा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई डेटा अपलोड करते वक्त कोई टेक्निकल इश्यू फेस कर रहे हैं तो आप टिकट कैसे रेज करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिम्फनी टिकटिंग टूल अब बंद हो चुका है और उसकी जगह पे जोहो, जो कि नया NSDC ने टिकटिंग टूल लॉन्च करा है, तो टिकट रेज करने से पहले आपको उस टूल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको skillindia.gov.in, जो NSDC का स्किल इंडिया पोर्टल का जो URL है, उसमें जाना है। उसके जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट, एक यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक आपको एक पेज पे लिखा जाएगा जिसका नाम है NSDC टेक्निकल सपोर्ट। NSDC टेक्निकल सपोर्ट में अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड है आपके टिकटिंग टूल का, तो आप लॉगिन करके टिकट रेज कर सकते हैं। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको ये कोड इसमें डालना है। उसको आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे एक लिंक आएगा, तो अभी मेल आया नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पेज को रिफ्रेश करा और ये NSDC टेक्निकल सपोर्ट से जो है मुझे एक ईमेल आ गया है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट द इनविटेशन। इनविटेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड मैं यहाँ पहले सेट कर लेता हूँ। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी लगा सकते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले नेम ने आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। तो जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड फंडेड। अगर फंडेड पार्टनर हो तो फंडेड यूज कीजिएगा, अगर नॉन फंडेड पार्टनर हो तो नॉन फंडेड यूज कीजिएगा, ठीक है। बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ये सारा कुछ आप यहाँ डाल सकते हैं और आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद योर प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड करके एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपको होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक FAQs का है जो अभी NSDC मैनेजमेंट अपडेट कर रहा है और ये पेज भी जल्द अपडेट हो जाएगा। आपको यहाँ टिकट पे क्लिक करना है, टिकट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड टिकट पे आपको क्लिक करना है। एड टिकट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट याद रहेगा SIP। SIP स्टैंड फॉर स्किल इंडिया पोर्टल। और मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है कि आप कौन से स्कीम का डेटा अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्कीम और मॉड्यूल्स के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फी बेस का डेटा अपलोड कर रहे हैं तो आप फी बेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी इसमें सब मॉड्यूल हमने डिफाइन नहीं करें और जल्दी हो जाएंगे। आप यहाँ सब्जेक्ट लाइन डाल दीजिएगा जो भी डेटा अपलोड करते वक्त आपको एरर आ रहा है, और यहाँ पर उसका डिटेल्ड समरी आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर हमने एक अटैचमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ जिसमें आप 20 MB तक का अटैचमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है एरर का, या आपके पास कोई 20 MB से कम का कुछ वीडियो है जो कि आप इश्यू को समझाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक टिकट नंबर एक जनरेट हो जाएगा। वो टिकट नंबर आप NSDC जिनसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ वो नंबर शेयर कर दीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि हमने एक जो पे टिकट रेज कर दिया है और इस टेक्निकल इशू का जल्द से जल्द हमें समाधान करवा दीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सिंपली टिकट रेज करने के बाद एटलीस्ट टेक्निकल टीम मिनिमम 48 आवर्स लेता है इशू को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपने टिकटिंग जब टिकट रेज करेंगे तो आपका टिकट का स्टेटस जो है वो आपको यहीं पर ही दिख जाएगा। अभी मेरा नो टिकट्स फाउंड अप इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने रजिस्टर करा है। जब आप टिकट रेस करेंगे तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ आ जाएगा। आपको टिकटिंग टूल का ईमेल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको सिंपली अब जुहू पे ही आपको क्लिक करके आपको उसका रिस्पॉन्स देखना है और वहीं पर ही आपको सोल्यूशन आएगा। अगर आप उसके सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप टिकट को रीओपन भी कर सकते हैं और इसको NSDC मैनेजमेंट में एस्केलेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने जोहो पे रजिस्टर नहीं करा है तो रजिस्टर कर लीजिए। सिम्फनी पे आप कोई टिकट कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो इसी पोर्टल के जरिए आप सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।